हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किए थे, उसे अब द्विघाती सूत्र लगा करके हल करना है। तो अब द्विघाती सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। तो चलिए द्विघाती सूत्र आपको सिखा देते हैं। तो द्विघाती सूत्र जो होता है द्विघाती सूत्र से x का वैल्यू अगर निकालना हो तो आप जनरली फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप जो है किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एक और तरीका से याद कर सकते हैं ताकि आप आसानी से पहले ही जांच कर सकते हैं कि किस द्विघात समीकरण का मूल भिन्न भिन्न है और किसका दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो एक चीज आप गौर करिएगा, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो उसके दोनों मूल अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग मूल होते हैं, भिन्न भिन्न मूल, जिसके लिए फॉर्मूला आपको ये लगाना है। ठीक है, अगर सपोज दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करें, दूसरे तरीका की, तो अगर d का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, d का अगर वैल्यू 0 हो जाता है तो आप उस कंडीशन में समझिए कि उसका दोनों मूल बराबर है। और वहां पे x का वैल्यू द्विघाती सूत्र से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। जनरली आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहां से आपको करना क्या है, पहले ए बी सी का वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो a का मान 2 हो गया। b का मान माइनस 7 हो जाएगा। c बराबर कितना होगा, तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान निकाल लीजिए। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, विवेचक निकालने का एक तरीका है। तो अब यहां से b का वैल्यू हम रखेंगे माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 रखेंगे इंटू सी का मान रखेंगे 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, माइनस 4 × 8 = 24, यानी 49 से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 कितना है, 0 से बड़ा है, तो 25 का यहाँ पे हम देखेंगे कि 25 जो है 0 से बड़ा है तो इस समीकरण का मूल वास्तविक के साथ साथ दोनों अलग अलग होगा। तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक के साथ साथ दोनों मूल अलग अलग होगा। तो चलिए अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम यहां से x का मान निकालेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे यहां पे, तो द्विघाती सूत्र से अब आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहां से फॉर्मूला देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b का मान कितना है, माइनस 7 है, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो d का वैल्यू क्या आया है भाई, 25, d का मान 25 है, बट्टा 2a, तो 2 गुना a का मान कितना होगा, 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे ऊपर देखिएगा,
ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और बट्टा 2 दूनी 4 हो गया। चलिए तो x का मान कितना आना चाहिए, एक बार 7 प्लस 5 है और दूसरा जो है 7 माइनस 5 है, तो एक बार जोड़ेंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12/4 और दूसरा 7 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/4। चलिए अब इसे कटा लीजिएगा तो 4 से काटेंगे हम तो 4 दिया 12 और 2 दूनी 4, यानी x का जो मान आएगा यहाँ पे x का मान 3 and 1/2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x-4 = 0। ठीक है, चलिए यहां से सोल्व करेंगे, a बराबर क्या होगा 2, b बराबर x का कोफिशियंट 1 है तो 1 हो जाएगा और c का मान क्या होगा -4। चलिए यहां से d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू b² - 4ac करके निकाल लेंगे तो b² यानी 1 का स्क्वायर -4 * a, तो a का मान 2 है और c का मान -4 है। चलिए तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस माइनस ये देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 8 = 32 यानी कितना आ गया 33 आ गया। 33 क्या भाई 0 से बड़ा है, 33 0 से बड़ा है तो इसका मूल जो है वास्तविक होगा एवं दोनों डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहां से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, द्विघाती सूत्र याद रखिएगा तभी जाके x का मान आप इससे निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b + -√_d/2a। ठीक है, तो माइनस और b का मान कितना है +1 है, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान 33/2a, 2 × a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखते रहेंगे यहां से, तो x का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33/2 × 4 हो जाएगा। तो फाइनली यहां से अब x का मान क्या हो जाएगा -1, एक प्लस में √33/4 और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस √33/4। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर लेंगे तो 1 + √33/4 आंसर हो जाएगा। भाई चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, अच्छा लगता है तो शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4x² + 4√3x + 3 = 0। बहुत ही मजेदार सेशन है, देखते जाइए, एकदम आसानी से पूरा पूरा मैथ आपको समझा देंगे सरल भाषा में, आप टाइम देख करके वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो चलिए यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर 4√3, c बराबर 3 हो जाएगा। चलिए d का मान निकाल लीजिएगा, b² यानी 4√3 का स्क्वायर -4ac, तो -4 × a का मान 4 × c का मान 3। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 × 3 = 48 -4 × 16 = 48। देखिए यहाँ पे d का वैल्यू 0 आ गया, जब भी d का मान 0 आता है तो आप क्या करेंगे द्विघाती सूत्र में आप d को हटा दीजिएगा। ठीक है, यहां से देखिए आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो x = -b/2a, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ से अब सीधा सिंपल है, लिखिए x = -b यानी -4√3/2a, तो 2 × a का मान 4 है,
तो कितना हो जाएगा, माइनस चार रूट थ्री बटा दो चौके आठ, यानी इसका जो वैल्यू होगा, यहां से देखिए चार से हम काट देंगे इसे, चार से काट दीजिएगा, चार दूनी आठ, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, यानी एक्स का दोनों मान क्या होगा, माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, माइनस रूट थ्री बाई टू दोनों मूल इसका बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आंसर इतना ही होगा, एक्स का मान निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर। तो चलिए अब चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस चार बराबर जीरो। तो ए बराबर दो हो जाएगा, बी बराबर एक्स का गुणांक एक, सी का मान चार हो जाएगा भाई। चलिए तो डी का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान दो इंटू सी का मान चार। देखिए वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस चार दूनी आठ चौके बत्तीस, एक से बत्तीस घटाइएगा माइनस इकतीस, ये देखिए तो माइनस इकतीस जीरो से छोटा है, माइनस इकतीस जीरो से छोटा है भाई, इसका तो जो है मूल निकल ही नहीं सकता है, तो इसका जो है अस्तित्व तो ही नहीं है, लिखेंगे इसके मूलों का अस्तित्व तो नहीं है। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी डी का मान जीरो से छोटा आ जाए तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उसके मूल का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस दो नंबर के पूरे चार का चार क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और लाइक ठोकर जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। जय हिंद।